तो क्या आपको नहीं लगा कि मेरे पास भी एक प्लान भी होना चाहिए आ, मुझे स्टार्टिंग से ही ऐसा कभी फेयर नहीं था वही कि अकेडमिकली मैं अच्छी थी और जब ट्वेल्थ के बाद मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था ट्वेल्थ के साथ ही और वो क्लियर भी हो गया था मुझे एक मेडिकल कॉलेज भी मिल रहा था तो वो कॉन्फिडेंस बूस्टर था कि बिना कोचिंग के मैं नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर सकती हूँ मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी मिल सकता है तो यू में मैं कोचिंग भी कर लूँगी अच्छे से प्रिपेयर करूँगी अभी तो तीन साल हैं और तब मेरे पास मतलब एज वाइज उस टाइम पे चार साल और हो, मतलब हो गए थे कि चार साल हैं इसको तो मैं आराम से कर ही लूँगी